हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नवभारती स्टडी सर्किल। तीन चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ अपन ने स्टार्ट कर दिया है। दो टॉपिक्स हो चुके हैं, कौन कौन से? फर्स्ट हमने कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी पढ़ी, किसकी? एक कंडक्टर की, कि कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है और उसको फॉर्मूला वाइज हम किस तरह से लिखते हैं। सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, हमारे पास ये फॉर्मूला आया था जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी चार्ज को एक्सेप्ट करने की या फिर चार्ज को लेने की कैपेसिटी होती है, और उसको फॉर्मूला से हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, चार्ज को कॉन्स्टेंट कर दें और पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें, तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी या फिर उसका कैपेसिटेंस इनक्रीज किया जा सकता है। तो ये किसके लिए बात हुई थी? कैपेसिटेंस के लिए बात हुई थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कैपेसिटर क्या होता है? तो कैपेसिटर वही कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि कैपेसिटर जो है वो कौन सा अच्छा होगा। देखो, कोई भी कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, चार्ज को लेने की कैपेसिटी रखता है। तो जितना अच्छा चार्ज वो ले सकेगा, जितना वो स्टोर कर सकेगा खुद के अंदर, उतना ही वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। तो क्या होगा कि हमें किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी या फिर उसका कैपेसिटेंस, दोनों एक ही बात है, उसका कैपेसिटेंस हमें इंक्रीज करना है। तो वो किस तरह से किया जा सकता है? तो कोई एक कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस हमें इंक्रीज करना है, उसका जो चार्ज है वो तो हम क्या रख लेंगे, कॉन्स्टेंट रख लेंगे, और उसका जो पोटेंशियल है वो कैसे भी करके अगर हम उसको डिक्रीज कर दें तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां जो सी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के। या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहां ये फॉर्मूला किस तरह से बना था, क्यू जो है वो प्रोपोर्शनल था बी के, यहां जो अपने पास कैपेसिटेंस आया है वो एक कांस्टेंट है और ये वी आ गया, तो सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, इस तरह से अपने पास ये फॉर्मूला डिराइव होके आता है। अब हम बात कर रहे हैं ओनली कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर क्या है। ये वही एक कंडक्टर है जिसका हमने पोटेंशियल तो क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, लेकिन चार्ज कॉन्स्टेंट रखा और कैपेसिटी उसकी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो वही कंडक्टर क्या कहलाएगा, एक कैपेसिटर कहलाएगा। और इसमें एक और बात क्या है कि इसकी एक खास बात यह है कि बिना उस कैपेसिटर या फिर उस कंडक्टर का साइज इंक्रीज किए हम ये कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके डेफिनेशन हम किस तरह से लिख देंगे, कैपेसिटर इज वन सच डिवाइस इन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड। कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर का वो इंक्रीज किया जा सकता है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। इसका हम साइज इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल एट कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू हम कॉन्स्टेंट रख देंगे और पोटेंशियल जब हमें डिक्रीज करना हो तब क्या करना होगा कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो यही जो डिवाइस है वो क्या कहलाएगी, कैपेसिटर कहलाएगी। इज इट क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा कि बिना कंडक्टर की साइज के इंक्रीज किए कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज किया जा सकता है पोटेंशियल को डिक्रीज करके। फॉर्मूला हमने देख लिया है सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटर जो है उसका साइन क्या है, उसको किस तरह से, कौन से साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम उसको किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम यूज में लेते हैं, और उसका प्रिंसिपल क्या है कि किस प्रिंसिपल पर वो वर्क करता है, और साथ ही साथ कैपेसिटर जो है उसकी जो कैपेसिटी है चार्ज को लेने की वो किस तरह से चार्ज को लेगा। और वही हम देखेंगे जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे चार्ज की, पोटेंशियल कैसे भी करके हमको डिक्रीज करना है, देन कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। और यहीं पर घुमा के बात आ जाती है कि यही क्या है, कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। अब उसको देख लेते हैं कि किस मेथड से हम उसको प्रिंसिपल को समझेंगे। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कैपेसिटर का साइन क्या होता है। तो देखते हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस को इस तरह से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से
दो पैरेलल लाइन लेकिन दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होगी साइज एंड शेप में। तो ये तो क्या हो गया, साइन हो गया। अब आपको इस साइन के थ्रू तो क्या दिख रहा है कि ये दो लाइन है, इसको आप वायर मत समझना। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों ही शीट्स होती है या फिर कोई एक सरफेस होता है या फिर हम इसको प्लेट बोल सकते हैं। अब ये जो प्लेट है वो किस किस तरह की हो सकती है, साइज में ये रेक्टेंगुलर हो सकती है या फिर ये स्फेरिकल हो सकती है या फिर ये सिलेंड्रिकल हो सकती है। तो किसी भी साइज एंड शेप की ये हो सकती है, साइज सॉरी किसी भी शेप की ये हो सकती है और साइज क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। तो इक्वल साइज एंड शेप, अगर हम रेक्टेंगुलर ले रहे हैं तो दोनों रेक्टेंगुलर लेंगे, दोनों अपन स्फेरिकल लेंगे, दोनों अपन क्या लेंगे, सिलेंड्रिकल लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इनमें से अगर किसी भी शेप के ले रहे हैं तो यहाँ पर साइज भी दोनों के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आती है कि अगर प्लेट फर्स्ट पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट रख रहे हैं और प्लेट सेकेंड पर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे, तो फर्स्ट प्लेट पर तो क्या होगा पॉजिटिव, सेकेंड प्लेट पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। और एक और बात क्या है, जो भी हम यहाँ पर शेप ले रहे हैं साइज में इक्वल होगा और दोनों ही प्लेट जो है वो सेम शेप में होगी। तीसरी बात, अगर इसको किसी भी सर्किट में अपन को ऐड करना है तो बैटरी हम किस तरह से लगाएंगे। देखिए ये पॉजिटिव साइन है बैटरी का, पॉजिटिव से पॉजिटिव एंड नेगेटिव से नेगेटिव, इस तरह से हम इसको अटैच करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इस कैपेसिटर का, किस तरह से इस कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा पोटेंशियल को हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। देन ऑटोमेटिकली जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का की बात हो रही थी कि सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो सी जो है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट। अब इसका डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमने एक प्लेट ली, ये हम फर्स्ट प्लेट ले रहे हैं जिसको अपन ने ए कंसिडर कर लिया है। अब इस प्लेट को सबसे पहले हमें चार्ज करना है पॉजिटिवली, क्योंकि हमने बात की थी कि दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है दूसरी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो किस तरह से हम इनको चार्ज कर सकते हैं, अब ये चार्ज हम दे रहे हैं यानी ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है उसको चार्ज को। तो यही क्या हो गई, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई, उसकी कैपेसिटी हो गई चार्ज को लेने की। अब क्या होगा, सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, दूसरी प्लेट हम लेकर आते हैं बी जो कि क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने इस पर पॉजिटिव है उतने ही इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसको हमने क्या लिया है, बी को न्यूट्रल लिया है। फर्स्ट हमने क्या ले लिया, ए ले ली प्लेट जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया है। अब दोनों को जब हम कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे तो क्या होगा, इंडक्शन काम करेगा। यहाँ पर एक इफेक्ट होता है इंडक्शन इफेक्ट, उसके कारण चार्जिंग होती है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन हम ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही इस प्लेट को इसके कॉन्टेक्ट में लेकर आएंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके इनर सरफेस पे, और आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट बी के सारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो इनर सरफेस पे आ गए नेगेटिव चार्ज एंड आउटर सरफेस पे कौन से बच गए, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज बच गए। अब यहाँ दो बातें आती है, कौन कौन सी, हमें करना क्या है कि इस प्लेट का पोटेंशियल हमें डिक्रीज करना है ताकि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाए। अब देखिए पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला हम इस तरह से पढ़ते हैं, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल r। अगर चार्ज हमारे पास नेगेटिव है तो पोटेंशियल कैसा होगा, डिक्रीज होगा। अगर चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीज होगा। तो अब हम देखते हैं कि B का जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्ट इस प्लेट ए पर क्या होगा। तो बी के इस नेगेटिव चार्ज के कारण एक प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा डिक्रीज, क्या होगा,
डिक्रीज होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। दूसरा हम चार्ज ले लेते हैं ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ए प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा इंक्रीज। तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल को कैसे भी करके डिक्रीज करना है। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी, और इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या चार्ज होने चाहिए, ओनली नेगेटिव चार्ज रहने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन पॉजिटिव चार्ज की अर्थिंग कर देते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो आउटर सरफेस पे थे, ये क्या करेंगे, अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ के इलेक्ट्रॉन के साथ इन कॉन्टेक्ट में आए, देन क्या हो गया, इन चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यानी इन चार्जेस की क्या हो गई, अर्थिंग हो गई। अब हमारे पास ओनली नेगेटिव चार्ज बच रहे हैं, और उसका इफेक्ट ए प्लेट के पोटेंशियल पर क्या पड़ रहा है, कि नेगेटिव चार्ज जो कि बी प्लेट के हैं वो ए प्लेट के पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डायरेक्टली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यही प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। तो इसको डायग्राम से हमने अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हम यहाँ पर प्लेट्स ले रहे हैं वो या तो रेक्टेंगुलर शेप की, या फिर सिलेंड्रिकल की, या फिर वो स्फेरिकल हो सकती है, या कोई दूसरी और शेप हो सकती है। जो भी हम शेप ले रहे हैं वो दोनों ही प्लेट की सेम होनी चाहिए, और साइज में भी वो सेम होनी चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं, प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज, बी पर नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे हम इसको सर्किट में ऐड करते हैं, पॉजिटिव से बैटरी का पॉजिटिव, नेगेटिव से बैटरी का नेगेटिव। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की, कैपेसिटर की जो डेफिनेशन है उसमें हमने बात करी ली थी कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। किया कैसे जाता है वो हमने डायग्राम के थ्रू देख लिया। प्लेट ए लिए हमने पॉजिटिवली चार्ज की, प्लेट बी लिए हमने न्यूट्रल, लेकिन जब प्लेट बी को ए के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो इंडक्शन इफेक्ट काम करता है। ये इंडक्शन इफेक्ट क्या होगा कि ये जो न्यूट्रल प्लेट थी इस पर इनर सरफेस पर सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज, आउटर सरफेस पे जितने भी इसके पॉजिटिव चार्ज बचे थे वो आ जाएंगे। अब ये क्या काम करेगा, नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और यही हमें लेना है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो इसके क्या कर देंगे हम, अर्थिंग कर देंगे। और एक और बात कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके पास है, और साथ ही साथ क्या हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की अर्थिंग हो रही है। ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जब हम क्या करेंगे, इसको अर्थिंग करेंगे, तो अर्थ के इलेक्ट्रॉन इस पर मिलकर क्या कर देंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेगेटिव चार्ज बच रहे हैं, नेगेटिव चार्ज का यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पोटेंशियल को वो डिक्रीज कर रहा है प्लेट ए की। देन क्या होगा, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यही प्रिंसिपल है क्या, किसका, कैपेसिटर का। तो आज हमने बात की कि कैपेसिटर क्या होता है, एक कंडक्टर है। वो डिवाइस किस तरह से काम करेगी कि उसकी साइज को हम इंक्रीज किए बिना अगर उसका पोटेंशियल हम डिक्रीज कर दें तो ऑटोमेटिक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, हम प्रिंसिपल की बात हो गई यहाँ पर, तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट एंड क्वेरीज हैं इसके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।